कैसे हैं आप? अभी जो मैं आपके सामने शेयर लेके आ रहा हूँ वो जेट एयरवेज लाया हूँ। आज जेट एयरवेज में थोड़ा सा आप देखेंगे तो बॉटम से रिकवरी आई है, बॉटम से अच्छी खासी इसमें रिकवरी देखने को मिली है। लग रहा था एक टाइम ये तो तोड़ेगा लेवल और अच्छे खासे 165 तक भी पहुँचने का दम रखता है, लेकिन इसने बहुत लोगों का सेंटिमेंट तोड़ा, बहुत लोग ऊँचे लेवल से इसमें फंसे हुए हैं। आप देखेंगे तो ये 52 वीक लो अब 162 का बना चुका ऑलरेडी, और आज कल लो था 190 और हाई था 207। तो एक बार इसने हाई तो 207 बनाया है, 207 210 इसका क्रिशियल लेवल है, तो वहाँ पे से क्रॉस करके वापस ये नीचे की ओर आ गया और 201 पे क्लोजिंग दिया है। ये जेट एयरवेज है, ये शेयर का नाम है जेट एयरवेज लिमिटेड। तो आप देखेंगे आज इसने क्लोजिंग 201 पे दिया है, 1 रुपये का गेन देख करके, और सेंटिमेंट देखेंगे तो 55% सेंटिमेंट इसमें आपको निगेटिव दिख रहा है, बाइंग है 44 है इसमें, बहुत गिरा हुआ है ये शेयर। और मार्केट कैप देखेंगे तो 2295 करोड़ का मार्केट कैप है, और बुक वैल्यू की ऐसी हालत है कि अब निगेटिव हो चुकी है बुक वैल्यू। और आप डिलीवरी परसेंटेज देखिए, 3-5%, 4%, 4%, 6%, इतने बैड डिलीवरी तो मैंने कहीं किसी में देखा ही नहीं, क्योंकि इतने लोग फंसे हुए और अभी लोग को इसमें हाथ भी लगाने को तैयार नहीं। तो ये जो भी आया हुआ ना, ये आज एयर का कुछ ऑयल का न्यूज आया था कि सऊदी अरेबिया से कुछ ऑयल डिलीवरी में कोई इशू नहीं आएगी, उसकी एक शॉर्ट रिकवरी आई हुई है, कोई इसमें मेरे को तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डिलीवरी आने को है। और ऐसे भी जब तक ये 250-252 क्रॉस नहीं करता तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी अच्छा पोजीशन बनने को आने को है। एक अगर आप इसके शेयर होल्डर पैटर्न को देखना चाहें, फाइनेंशियल को, चलिए फाइनेंशियल एक बार इसके देख लेते हैं, फाइनेंशियल इसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे फाइनेंशियल में इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेल्स में तो रिकवरी कर रहा 5,900, अगर 5,600 से 6,000 का, 5,600 करोड़ से ये इसने 6,000 करोड़ की गेन को तो दिखाया है, लेकिन जब इसके कंजम्पशन देखेंगे, पावर फ्यूल देखिए 1,500 से 2,300 करोड़, तो जहाँ आपको यहाँ पे सिर्फ 400 करोड़ का पड़ा, वहाँ पे यहाँ पे आपको 700-800 करोड़ का, तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गया, फ्यूल का ही कॉस्ट बढ़ गया। तो आप जहाँ देखेंगे आप वहाँ पे प्रॉफिट बिफोर अगर देखेंगे निगेटिव में पहुंच गया, जहाँ पे जीरो पे था ये निगेटिव पे आ चुका, और आफ्टर अदर इनकम भी देखे तो 1,000 करोड़ का लॉस कर रहा है। और इन्होंने अभी बोइंग कुछ इनके जेट 400 जेट का ऑर्डर दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं अभी, यहाँ पे कहीं दिखता ही नहीं है। इसमें एक न्यूज़ भी चल रहा है, देखेंगे ये 12 तारीख का एक न्यूज़ आया हुआ है कि बोइंग कंसर्न अबाउट जेट एयरवेज, जो बोइंग इनको सप्लाई करने, क्योंकि इन्होंने क्या किया 400 जेट का ऑर्डर दिया हुआ है। अब आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी नहीं है ये। अब देखेंगे बोइंग कंसर्न जेट एयरवेज विच इज ग्राफिकली विद फाइनेंशियल ओज ए सीनियर ऑफिशियल ऑफ द लीडिंग एयरपोर्ट। जेट बोइंग जो जेट एयरवेज के फाइनेंशियल सिचुएशन पे खुश नहीं है। द एयरलाइन हैज प्लेस्ड ऑर्डर्स ऑफ 219 बोइंग 737X में, 219 का उसने डिलीवरी दिया है जेट एयरवेज ने बोइंग को। और आप देखेंगे इसमें इन्होंने यहाँ पे दिया है कि सस्टेनेबिलिटी एडिंग दैट द फेयर लेवल सीन लास्ट 2 मंथ्स से, ये बता रहे हैं 2-3 महीने से इनका फेयर लेवल बढ़ा है, इसके लिए इनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो अब लग रहा है। अभी आपको देखिए सैलरी देने को भी अभी इनको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कहना है कि एक्साइज ड्यूटी के इन्होंने रिलीफ कुछ मांगी है कि अभी तक इनको मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं एक्साइज ड्यूटी छोड़ दीजिए। तो अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देयर हैज आल्सो बीन डिले इन पेमेंट टू सैलरी टू स्टाफ ऑफ जेट। अभी ये देखिए फेस्ड विद अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम देयर हैज बीन ऑल्सो बीन डिले। इन्होंने 11 अक्टूबर को बोला था कि जो सितंबर की सैलरी वो पेड कर देंगे, और अभी तक इन्होंने पेड नहीं किया, और अभी तक इनके पास डेट नहीं है कब तक ये पेड करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये सैलरी पेड में प्रॉब्लम है, तो आप समझिए बोइंग के जो ऑर्डर इन्होंने किए हुए हैं जेट के, बोइंग को ऑर्डर किया हुआ है, तो वो कहाँ से 219 का जो ऑर्डर दिया हुआ कहाँ से डिलीवरी करेगा। दूसरी बात अगर आप इसका फॉल देखेंगे ना, तो आप देखिए ये सारे मूवी, अब ये यहाँ पे देखिए इससे सारे मूविंग एवरेज तोड़ के काम कर रहा है, 200 का 465 तो कब का तोड़ चुका है ये,
अभी 100 डे का डेमा का देखेंगे तो 321 है, वो भी तोड़ चुका है। अब ये लास्ट 5 डेज के डेमा को मेंटेन कर रहा है, वीक भर से अपने को मेंटेन कर रहा है। अदरवाइज देखिए अब सबके नीचे, अगर 20 दिन का डेमा देखें तो 207 है, तो ये टच करने वाला है। तो 207 को अगर टच करता है 20 दिन के डेमा को, तो आपको एक बार ये 250 के लेवल को जा सकता है टच करे। बट जब तक ये 250 का नहीं तोड़ता है ना, तो इसमें कुछ अच्छा गेन नहीं दिखेगा। तो आप कोई फंसी इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, इसको आने दीजिए 250। अगर 250 क्रॉस करेगा तो हम देखेंगे इसको वापस लेना है कि नहीं लेना। आप इसमें एक डाउनफॉल दिखाता हूँ आपको मैं, क्या अगर इसके मंथली डाउनफॉल को देखें तो क्या सॉलिड डाउनफॉल किया। ये देखिए ये कहाँ ट्रेड कर रहा था, ये 836 वहाँ से गिरा, ये 747, और ये गिरते 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 ये देखिए स्ट्रेट डाउनफॉल। अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन, क्या ट्रेंड लाइन बनी है इसकी। अगर यहाँ से मैं इसको फॉल लाइन गिराता हूँ, तब देखिए अब जब तक तो ये क्रॉस करेगा, तीन यहाँ पे क्रॉस करेगा तो भी इसको कुछ ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसको थोड़ा नीचे लिखे अगर ऐसे चले तो ऊपर से चलिए। किसी भी लेवल से बनाने में उसमें तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये सारे लेवल को तोड़ चुका है। क्या लेवल बनाया जाए, देखिए कि अगर इसको क्रॉस भी करना है यहाँ पे 250-275 ये क्रॉस करेगा, उसके बाद ही निकलेगा। उसके बाद ही ये कहीं क्रॉस करने को तो तैयार है ही नहीं है। आप देखिए ये यहाँ से गिर रहा है, गिरते 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 कैसे गिरा है, ये मंथली एवरेज दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको इसी में मैं इसका डेली का ट्रेंड चार्ट देखो तो देखिए कैसे गिर रहा है, आराम से गिर रहा है ऐसे ना। आप स्ट्रक्चर देखिए इसका कैसे बना है, ये देखिए कैसे बन रहा है ऐसे करके स्लिप। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको लग रहा है पानी नीचे आया है तो ऊपर थोड़ा सा बह रहा है, आराम से घूम रहा है नीचे, ठीक है। यहाँ से फिर गिर रहा है, गिरते 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 कहाँ तक गिरेगा इसका तो कोई ये नहीं है। अब ये देखेंगे ये जो लाइन है ये तो वहाँ पे आ चुका है, क्रॉस करने दीजिए इसको, इस लेवल के 251 को क्रॉस करने दीजिए, फिर ये 319 दिखाएगा। और अगर अभी ये यहाँ पे क्रॉस करता है, ये देखिए ये जो इसका लेवल है, ये अगर क्रॉस करता है 210 के आसपास, तो आपको एक बार 250 देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, अगर हम इसके कहीं कोई सिग्नल बाई सिग्नल अगर देखें तो इसका लास्ट ये अपने 161 के जो लो है इसको भी टच कर चुका है इस महीने के। अगर मंथ वाइज मैं मंथ में देखें तो इस महीने में 100 लो को टच करके ये ऊपर है। और अगर इसके डेली चार्ट पे जाए तो यहाँ पे इसने कुछ 1.10 को जो था 162 का टच किया था, फिर ये उठ रहा है, उठते 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 अगर इसके एवरेज को अभी ये टच किया है जो 20 दिन का एवरेज बोलते 204, तो ये 204 को क्रॉस करने के लिए जा रहा है। तो अगर ये देखे तो बोलिंजर बैंड जो बैंड लगा हुआ है इसमें देखे तो 204 का एवरेज आता है बॉटम से। तो यहाँ से एक बार अप तो लिया है, तो हो सकता है कि इसमें रिकवरी 210 के बाद दिखाए तो थोड़ा रिकवरी आपको मिलने को मिल सकती है। तो 204 से जाएगा तो 250 की रिकवरी मिल सकती है। लेकिन अगर मेरी बात माने तो इसमें कोई पोजिशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 200 तोड़ता है तो आपको 165 जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 162 से रिटर्न आया हुआ है, तो वहाँ पे वापस टेस्ट करेगा। और 162 तोड़ेगा तो पता नहीं किस स्काई जोन में वो पहुँचेगा, वो तो और भी कहना मुश्किल है। मैं एक बार सारे लेवल को हटाता हूँ इसको मूविंग एवरेज को, तो देखिए ये फिर कहाँ पे जाएगा। तो बहुत खतरनाक यहाँ से, लेकिन यही लेवल है जहाँ से हर बार एक बार बाउंस देता है। ये आप देखेंगे यहाँ पे 204 205 यहाँ से एक बार अप तो लेता है ये, तो यहीं पे जस्ट इसने तोड़ा है, इसी लेवल को तोड़ा है। तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, इसको 210 तोड़ता है तो एक बार आपको ऊपर साइड में तो देखने को मिलेगा, ये ऊपर की ओर तो ये टर्न लेगा एक बार।
लेकिन देखिए स्लिप से गिरते गिरते गिरता है, तो एक बार उछला है और आज न्यूज के चलते उछला है, तो आज इसका देखेंगे तो अब तो इसने 191 का लो बनाया था और क्लोजिंग 201 रुपये 75 पैसे पे दिया है। तो आप इस शेयर को देख सकते हैं, वॉच में रख सकते हैं, लेकिन इसने बहुतों का वेल्थ क्रिएट ख़त्म किया है। तो इसको पोजिशन बेस पर नहीं ले, लेकिन जिनके पास भी है वो क्या कर सकते हैं, अभी एवरेज नहीं करें उनको, अभी होल्ड रखें पोर्टफोलियो में। और अगर ये सस्टेन नहीं करता, मैं तो इस पर निगेटिव भी हूँ, और हो सकता है ये आपको 100 का भी भाव दिखा दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब ये टैरिफ और इसकी बातें कर रहा है और एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे पा रहा, तो क्या होता है और भी बैड न्यूज़ इसमें ऐड होते जाएंगे, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या भरेगा ये ऑक्यूप करेगा। तो आज की आप रिकवरी को इसको रिकवरी नहीं माने, अब इसको निकलने दो 210 के ऊपर, अगर लेना है तो 250 के लिए ले सकते हैं, लेकिन ये अभी कोई रिकवरी नहीं दिखा देगा, ऐसा मत समझना कि अब वापस ये 600 पे चला जाएगा, ये अभी नहीं जाने वाला है, ये रुकेगा अभी। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाया है, आपको लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके ही बनाएं। धन्यवाद।